का मायका प्रेम। रिद्धि की सास को हर वक्त अपने मायके का गाना गाने की आदत थी। अरे बस करना माँ, मामा का ये किस्सा तो 50 बार पहले भी सुना चुकी है। अरे हाँ तो क्यों ना बताऊँ, तेरे चाचा तो उस वक्त हाथ झाड़ कर खड़े हो गए थे, तब मामा ही था तेरा जो आगे आया और मदद की। देखो अब ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, क्यों एक बात को हमेशा गाती रहती हो। अब तो बहू घर आ गई है, उसे तो सबको मान कर चलना है ना, कि सिर्फ सास का मायका ही समझेगी वो। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। माँ आज मैं घर जा सकती हूँ, माँ को मेरी बहुत याद आ रही है, शादी के बाद एक बार भी नहीं गई। हाँ तो कौन जाता है, अरे मेरी शादी के बाद जब मैं बिताए होकर आई, इतना बड़ा ससुराल मेरा, खाने वाले 10 लोग और बनाने वाली मैं सिर्फ एक, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही ब्याह किया है। वो तो मेरा भाई था, गांव से एक काम करने वाली चाची को भेज दिया जो मेरा हाथ पटाती थी, और उसको पैसा खाना कपड़ा रहने के लिए कमरा वो सब किससे दिया था, तुम्हारे भाई ने। ये मामला रोज का था, ससुर भी जब गुस्सा होते तो वो सारी बात कह देते जो उनके मन में इतने समय से चल रही थी। मेरा भाई भाभी भतीजा भतीजी सब छुड़वा दिया, मैंने जीवन भर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों से निभाया, लेकिन अब भी चैन नहीं है तुमको। बहू के सामने सास को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। अब सुन बहू, अपने कमरे में जा, कहीं नहीं जाना मायके वायके, घर का काम कौन करेगा, पड़ोसन। बहू समझ जाती है मामला गरम चल रहा है, कमरे में जाने में ही भलाई है। कमरे में क्या है, तुम्हारी माँ हर वक्त चिक 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 करती रहती है, कल ताई मिली थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मजाल है सासू माँ की, उन्होंने एक बुराई की हो, लेकिन सासू माँ जब देखो तब ससुराल के लोगों की बुराई करती रहती है। बेचारे पापा जी कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को, मेरा तो बड़ा मन करता है कि ताऊ जी चाचा जी और सब मिलकर रहे, ना साथ रहे लेकिन आना जाना तो ठीक से रखिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो सकता है, लेकिन चाचा और ताऊ के परिवार के साथ हम लोगों का मिलन ना जी ना कभी नहीं हो सकता। ये बात है, देखिए मेरे साथ ना ज्यादा चैलेंज मत करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ससुर जी जो कि बहू की बात सुन रहे थे सामने आ जाते हैं। अरे बेटा तू ये कर सकती है तो प्लीज मेरा परिवार किसी तरह मुझसे मिलवा दे, सारी जवानी तो मैंने किसी तरह काट ली, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर बहुत याद आती है मेरे परिवार की। हाँ हाँ पिताजी आप चिंता मत करिए, बस मेरा साथ देते रहिए आप दोनों, फिर देखिए कैसे माँ जी भी ठीक हो जाएंगी और पूरा परिवार भी एक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बहू सामान लेकर घर से निकल रही होती है कि मना किया था ना तुझे मायके जाने के लिए, फिर क्यों जा रही है। बहू कुछ कहती इससे पहले ही बेटा बोलने लगता है, क्या है माँ वो घर जा रही है, वैसे भी उसके माता पिता ने मुझे 10 लाख दिए तब जाकर मेरा काम शुरू हो पाया, वरना तूने मेरे लिए किया क्या है। अरे वाह बेटा, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरे दुख दर्द में जगी और आज वो लोग तुझे सही लग रहे हैं, और फिर ससुराल में लड़की खुश रहे ये तो मायके वालों के जीवन भर की जिम्मेदारी रहती है। तो ये तुमको भी तो सोचना था ना, ताऊ जी ने पापा को पढ़ाया लिखाया, जब तुम नहीं आई थी तो पापा के लिए ताई जी ने पापा की माँ की तरह देखभाल की, अब बोलिए। अरे तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरे पापा को सब पता है, तभी वो उन लोगों से वास्ता नहीं रखते। मैं उन लोगों को जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम्हारे मन के लायक काम नहीं हुआ तो तुम घर की शांति बर्बाद कर दोगी। सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तभी वहाँ सास का भाई आ जाता है। अरे क्यों आप लोग मेरी बहन को परेशान करते रहते हैं, पहले ये जीजा कम थे जब बहू भी आ गई। बहन मैंने तो 30 साल पहले ही बोला था, अपना हिस्सा ले और छोड़ इन लोगों को, चल अपने साथ। बहू समझ जाती है कि मामा ससुर की नजर किस पर है। देखा तुम लोग मुझे अकेला मत समझना, मेरा भाई खड़ा है आज भी मेरे लिए। बहू मायके जाती है और आते वक्त साथ में नौकरानी ले आती है। अरे बहू कुछ खाने को दे दे। अरे आंटी क्यों भाभी को परेशान करती रहती हो, उनके भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए भाभी को, जो चाहिए मुझे बोलने का। ओए हाय बहू के मायके वालों का इतना दखल, ये मेरा घर है, कोई कल का आए इसे पूरा कैप्चर कर ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया सासू माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है। चमेली ओ चमेली
क्या कहा था मेरे भाई ने तुझे? अरे दीदी बहुत तेज है आपकी सासू माँ, मैंने तो बोला कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। अरे निकल यहाँ से, घर को रेलवे स्टेशन बना रखा है, जो देखो वो घुमा जा रहा है यहाँ से वहाँ। ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं। हाँ और क्या करती है बहुएं, घर का काम ही तो करती है, इसमें नया क्या है? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। हाँ तो यही बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए थी ना, आज बहू के मायके से नौकर आ गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तो उस वक्त गर्मा गर्म खाना तो सबने खाया ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मायके का नौकर था तो सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अरे निकालो इसे फिलहाल, बाद में बात करती हूँ। सास का गुस्सा जोर से नौकरानी पर फूटता है, तभी वहाँ बेटा सामान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। चलो रिद्धि तुम ठीक बोलती हो, मेरे माँ को तो हम लोगों की कोई फिक्र है ही नहीं, ये तो सारा दिन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और देखिए मैं अब से कह रही हूँ कि अब से इस घर की तरफ आपको देखना भी नहीं है, नहीं आना आज के बाद इन लोगों से मिलने। हाँ हाँ बस कभी कभी दिन में दो बार मिलने आ जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, ससुर झूठा नाटक करते हुए। मेरी बीवी ने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया, आज बहू मेरा इकलौता बेटा दूर कर रही है, हाय कैसे जीऊंगा मैं। वाह वो भाई जो आपको बेटे की तरह मानता था उन्हें छोड़ने में तो दुख नहीं हुआ, आज खुद का बेटा छोड़कर जा रहा है तो कैसे जीऊंगा। बड़े आए। अब सास समझ चुकी थी कि उससे गलती क्या हुई है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों से दूर कर बीवियां पति का भला नहीं बल्कि उन्हें जीवन में अकेला कर रही है, मुझे माफ कर दे, मैं अब सबसे माफी मांग लूंगी। ससुर जी दूर से बहू को थम्स अप दिखाते हैं।